हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार। कमेंट में बताइएगा। आज हम बात करेंगे माता पिता के बारे में। माता पिता वो भगवान है कि आप उनका कर्जा चाह के भी जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे। लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने की, भगवान को हम चलो पूजा करते हैं, जल ढारते हैं, फूल चढ़ाते हैं। अरे जो तुम मंदिर में करने जा रहे हो वही अपने माता पिता के साथ करो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भगवान से कम नहीं है। और अपने माता पिता को पूजोगे ना तो भगवान भी तुमसे खुश होंगे। ये नहीं कि तुम उनके पूजा करे जाओगे, उनका आराधना करोगे, उनका ध्यान करोगे तभी वो खुश रहेंगे। नहीं, माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में ना ही भगवान है और ना ही इंसान है, कोई नहीं है। आजकल तो माता पिता को लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, क्योंकि बात ये है दोस्तों, माता पिता कैसे भी रहते हैं, कितने में रहेंगे, अपने लड़का लड़की को चाहेंगे कि हाँ हमारे लड़का लड़की को कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो हमारे बच्चों को। खुद कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पेट भर के खिलाते हैं। बाप दिन भर बाहर ड्यूटी करता है या जो भी करे, और माँ अपने घर में बच्चों को संभालती है। माँ धरती तो पिता आसमान। तो माता पिता का ध्यान रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन आजकल के लड़के क्या बोलते हैं, हैं आप सब मेरा जिंदगी बदतर बना दिया है, जीवन खराब कर दिया है। अरे भाई, अपने माता पिता की मजबूरी समझो, देखो कि वो कैसे रहते हैं, तुमको कैसे रखते हैं राजकुमार की तरह। अपने माता पिता के पहनावे पर मत जाइए। माता पिता कैसे भी रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को राजा की तरह रखते हैं। तो यही बात है कि माँ बाप, अरे बाप का तो छोड़िए, माँ का ही सोच लीजिए। माँ अकेले मिलके चार बच्चों का ध्यान रख सकती है, लेकिन चार बच्चे मिलके अकेली एक बूढ़ी माँ का ध्यान नहीं रख सकते। बड़ा बोलेगा तुम अपने में रखो, छोटा बोलेगा तुम अपने में रखो, तो एक बोलेगा एक दिन तुम खिलाओ एक दिन हम खिलाएंगे। ओ हो, जो माँ ने तुम्हारे लिए इतना सब मुश्किल झेला, मौत से भी लड़ गई, आज उसी का बंटवारा हो रहा है कि एक दिन तुम खिलाओ एक दिन तुम खिलाओ। कैसी ये दुनिया है। माता पिता का सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनका ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम बच्चे थे उन्होंने ध्यान रखा, जब वो लोग बूढ़े हो गए तो वो भी एक बच्चे समान ही हो गए। अब लड़का लड़की का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता का ध्यान रखे बुढ़ापे में। लेकिन कुछ लोग ही बात समझते हैं दोस्तों, सबकी समझ में नहीं आता है कि माता पिता वो अनमोल है जो कोई नहीं कर सकता, माँ बाप का जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आजकल के जमाने में बीबी को लेके आते हैं घर में ना, माँ बाप को भूल ही जाते हैं। जब तक बीबी नहीं रहती, माँ माँ माँ, बीबी आ जाती, बीबी 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 करने लगते हैं। कैसा दुनियादारी है कि माँ बाप एक एक रोटी के लिए तड़पते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों का पेट पालने के लिए
अपना सब सुख त्याग दिया। आज वही बच्चे माँ बाप में बंटवारा करते हैं, धन दौलत के चलते माता पिता को प्रेम करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, माता पिता भगवान का रूप है। अरे तुम्हें बीवी बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा। तो हाथ जोड़ के विनती है अपने माँ बाप को, ठुकराइए ना, उनका चरण पूजिए सुबह शाम दोपहरिया, भगवान भी खुश रहेंगे। नमस्कार। कमेंट में बताइएगा वीडियो अच्छी लगी तो यस जरूर लिखिएगा।